खरगोन जिले के उरंगपुरा में रहने वाला एक परिवार न्याय की गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और उचित कार्यवाही की मांग की। हम आपको बता दें कि क्षेत्र में रहने वाले नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे थे। इस परिवार ने बताया कि उक्त लोगों ने उन पर पहले भी प्राणघातक हमला किया था, जिसकी रिपोर्ट दर्ज होने पर उन्हें न्यायालय भेजा गया था, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद उक्त बदमाश समझौता करने का दबाव बनाकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस दौरान परिवार ने पुलिस अभिरक्षा की गुहार लगाकर बदमाशों के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सर, आज से 2-3 महीने पहले हम पर घटना हुई थी, जिसमें भाई का हाथ काट डाला था, इधर भांजे को गोली मार दी थी और मेरा सर में पीछे से वार कर दिया था, जिसमें मेरे को 17 से 18 टाके आए थे। भाई का हाथ काट गया था, अभी तक हाथ काम नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, अभी वो जेल से बाहर आए हैं, तो जेल से बाहर आने के बाद में धमकी पे धमकियाँ दे जा रहे हैं कि अभी तो टेलर बताए, पिक्चर अब बताएंगे, मर्डर करने की बात कर रहे हैं और आए दिन धमकियाँ मिल रही हैं हमें। क्या चाहते हैं बाप? हम प्रशासन से, कानून से रक्षा चाहते हैं कि ताकि हमारा ये कानून से जो हमारा काम हो जाए तो अच्छा रहे, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, काम धंधे वाले हैं, बाल बच्चे हैं, तो इन चीज़ों को देखते हुए हम कुछ कर नहीं रहे। हम पीड़ित लोग, 3 बार हमारे साथ घटना कर चुके हैं वो, और 4th बार भी करने में वो ज़रा भी संकोच नहीं करेंगे। कहाँ का मामला है? औरंगपुरा खरगोन का सर, नदी पार का। क्या नाम है आपका? ताराचंद यादव। हाँ, वो मतलब सुवर उनके मामले में मतलब उनके लड़े झगड़े हो रहे थे और एक बार हाथ भी काट दिया और एक जन को गोली भी मार दी। अब और धमकियों दे रहे हैं हमारे, 3-4 कौन दे रहा धमकी? अंदर थे जब तक कुछ भी नहीं हुआ था, और वापिस बाहर आ गए, बाहर आ गए तो फिर वही मामला चल रहा होगा। कहाँ का मामला है? औरंगपुरा। और भाई वो भी औरंगपुरा के रहने वाले हैं और संजय नगर के। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो और हमारे पति लोग, आदमी लोग कुछ नहीं हो। क्या लड़ाई झगड़े कर रहे हैं अभी भी? अभी भी लड़ाई झगड़े? हम समझा रहे, हम ठंडा खा रहे, लेकिन वो कहीं नहीं, जरा नहीं कर रहे। क्या नाम आपका? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।